नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पी के एथलेटिक कोचिंग में। इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्मी 752 एससी भर्ती का फॉर्म कैसे भरे। दोस्तों, आर्मी 752 कोई कंपनी में भर्ती निकली हुई है। 752 कोई ने मजदूर, चौकीदार, CMD आदि बहुत से पदों पर भर्ती निकली हुई है। यह सेंटर खिड़की महाराष्ट्र में पड़ता है। इस भर्ती का फॉर्म कैसे भरते हैं उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। वीडियो को पूरा देखते रहिए। यदि चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। हमारे चैनल पर आर्मी ऑफलाइन फॉर्म से जुड़ी हर अपडेट मिलती रहेगी। दोस्तों, यह भर्ती 2020 में भी आई थी। इसमें आप नीचे देख सकते हो, यह भर्ती 2020 में भी निकली थी, लेकिन किसी कारणवश इस भर्ती को 2020 में कैंसिल कर दिया था। अब यह भर्ती फिर से निकली है। पहले भी इसमें चौकीदार, मजदूर और CMD के पदों पर यह भर्ती आई थी, लेकिन इसे कैंसिल कर दिया था। अब यह भर्ती फिर से निकली हुई है। चलिए देखते हैं इस भर्ती का फॉर्म कैसे भरते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको इस भर्ती का एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लेना है। यदि आपको इसके फॉर्म की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी, या फिर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मिल जाएगा। जैसे आप इसका प्रिंट आउट निकालते हो, दोस्तों सबसे ऊपर आपको एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट में आपको अपनी पोस्ट लिखनी है, और यहाँ पर आपको अपनी एक फ़ोटो लगानी है, और उस पर आपको अपने साइन करने हैं, और इस फोटो पर आपको गजेटेड ऑफिसर से साइन कराने हैं। आप किसी भी प्रिंसिपल या स्कूल से या कॉलेज से यहाँ पर आप मोहर लगवा सकते हो। गजेटेड ऑफिसर से साइन करवाने जरूरी है। यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, और दोस्तों आपको यह फॉर्म इस एड्रेस पर भेजना होगा। आपको स्पीड पोस्ट करना होगा, इस एड्रेस पर आपको यह फॉर्म भेजना होगा। और सबसे पहले वाले कॉलम में आपको अपना नाम लिखना है, दूसरे नंबर में आपको फादर नेम, तीसरे में आपको मेल, चौथे नंबर कॉलम में दोस्तों आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, और यहाँ पर आपको इस भर्ती की लास्ट डेट के अनुसार आपको अपनी एज लिमिट लिखनी है। उसके बाद छठे नंबर कॉलम में आपको इंडियन लिखना है, सातवें कॉलम में आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, उसके बाद आठवें कॉलम में आपने 10वीं 12वीं जो किया हुआ है आप इस कॉलम में लिख सकते हो। नौवें कॉलम में यदि आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस है तो आप लगा सकते हो, जैसे NCC, NSS या स्पोर्ट्स कोई भी एक्सपीरियंस है तो आप लगा सकते हो। उसके बाद 10वें कॉलम में आपको यदि आप रोजगार विभाग कार्यालय में आपका नाम दर्ज है तो आप यस कर सकते हो, नहीं तो नो। उसके बाद 11वें नंबर कॉलम में दोस्तों आपको यस करना है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि आपकी ड्यूटी कहीं पर भी दी जा सकती है, पूरे इंडिया में आपकी ड्यूटी कहीं पर भी करवाई जा सकती है, इस पर आपको यस करना है। 11वें कॉलम में आपको यस करना है। 12वां कॉलम आपको खाली छोड़ देना है। यदि किसी भाई के पास टेक्निकल एक्सपीरियंस है तो वह इसमें लिख सकता है। 13वें कॉलम में आपको अपना आधार कार्ड नंबर लिखना है। उसके बाद 14वें नंबर कॉलम में आपको अपना पूरा एड्रेस विद पिन कोड के साथ आपको 14वें कॉलम में लिखना है। ए और बी कॉलम में आपको अपना पूरा एड्रेस लिखना है। उसके बाद नीचे आपको यहाँ पर लेफ्ट थंब लगाना है, और यहाँ पर आपको दोस्तों साइन करने होंगे। यहाँ पर आपको लेफ्ट थंब लगाना है, और यहाँ पर आपको साइन करने होंगे। उसके बाद दूसरे पेज पर आपको सबसे ऊपर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट में भी आपको अपनी पोस्ट लिखनी है। यहाँ पर आप कैटेगरी चॉइस कर सकते हो, आप किस कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद दूसरे कॉलम में आपको अपना नाम, और तीसरे में आपको साइन करने हैं। चौथवें कॉलम में आपको यहाँ पर आपको लेफ्ट थंब लगाना है। उसके बाद पाँचवें नंबर में आपको आपका आधार कार्ड में जो नाम है वह आपको पाँचवें नंबर कॉलम में लिखना है। उसके बाद छठा, सातवां, आठवें कॉलम में आपको कुछ नहीं लिखना है। दोस्तों, आपको केवल पाँच नंबर कॉलम ही भरने हैं। ध्यान रहे, पाँच नंबर कॉलम तक ही भरे, उसके बाद आपको कुछ नहीं भरना है। उसके बाद आपको दो छोटे लिफाफे लेने हैं, उस पर आपको 25-25 रुपये की डाक टिकट लगानी है। दोस्तों, इस भर्ती में आपकी 25-25 रुपये की डाक टिकट लगने वाली है। आपको दो छोटे एनवलप लेने हैं, और उस पर आपको 25 रुपये की डाक टिकट लेनी है, और अपना पूरा एड्रेस लिख देना है। इसमें दो छोटे लिफाफे लगेंगे, उस पर 25-25 रुपये की डाक टिकट लगने वाली है। उसके बाद आपको एक बड़ा एनवलप लेना है, और उसके ऊपर आपको अपनी पोस्ट का नाम लिखना है, आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, और साथ में आपको अपनी कैटेगरी लिखनी है। यहाँ पर आपको अपना नाम, फादर नेम, गांव का नाम, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट विद पिन कोड और फ़ोन नंबर के साथ आपको यहाँ पर लिख देना है। और आपको दोस्तों यह फॉर्म इस एड्रेस पर भेजना होगा। ऑफिसर कमांडिंग डिपो खिड़की, इस एड्रेस पर आपको यह फॉर्म स्पीड पोस्ट करना होगा। इसमें रजिस्ट्री पोस्ट नहीं करा सकते दोस्तों, आपको स्पीड पोस्ट ही करना होगा। जैसे यह भर्ती एम्प्लॉयमेंट न्यूज पेपर में आती है, उसी दिन से इस भर्ती के फॉर्म भरने शुरू हो जाएगी। आपको यह फॉर्म स्पीड पोस्ट करना होगा। एक महीने तक इस भर्ती के फॉर्म चलने वाले हैं। इसमें सिंपल दो सिम पास अप्लाई कर सकते हैं, ऑल इंडिया से इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, यह पिछले साल भर्ती नहीं करवाई गई थी, इसलिए अब की बार यह भर्ती करवाई गई है। यदि आपका इस भर्ती से रिलेटेड कुछ भी सवाल है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर करें। जय हिंद।